600-700 सालों के इंतजार के बाद ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे का था। गणपति बप्पा मोरिया। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मैं भी एकदम चकाचक। तो भाई सबसे पहले सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, और बप्पा और पप्पा का आशीर्वाद लेके जो है ना हम निकल रहे हैं नई वाली राइड पे। अब नई वाली राइड जो है बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, बहुत मज़ेदार होने वाली है, और काफ़ी सारे नए लोगों से मिलने वाला हूँ मैं। अब नए लोग तो उन्हें नहीं कह सकता क्योंकि फेसबुक पे वो फ्रेंड है, पर आमने सामने कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है, तो आज पहली बार हम सब एक्चुअली मिलने वाले हैं। सो भाई ऐसा है कि राइड लंबी है, तो आपसे काम करते हैं, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बैठने के बाद बात करते हैं और आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह बड़ों को नमस्ते, छोटों के सिर, साथ वालों को टाइट वाली छप्पी। तो जी तैयार हो जाइए नए नए एडवेंचर के लिए, नई नई जगहों के लिए। आपको बताते हैं इस राइड का पूरा जो है ना ए से लेके जेड तक सब कुछ। तो भाई कहानी ऐसी है कि हमारे एक मित्र हैं अमित भसीन जी, उन्होंने हमसे संपर्क किया कि बोले भैया ऐसा है कि एमपी टूरिज़्म की एक राइड हो रही है एमपी टूरिज़्म के प्रमोशन के लिए, तो क्या आप करना चाहेंगे? अब भाई हम तो वैसे ही राइड के लिए आतुर रहते हैं, भरे बैठे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना, हम तो पहली फुर्सत में आएंगे। तो कहानी ऐसी है कि भोपाल से हमारा फ्लैग ऑफ होगा जो कि 20 तारीख को, और आज कुछ लोग भोपाल निकल रहे हैं, नाइट स्टे वहीं करेंगे। और कार्यक्रम जो है वो ऐसा है कि भोपाल से पंचमढ़ी, पंचमढ़ी से सतधारा, सतधारा से पेंच, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और भेड़ा घाट होते हुए फिर भोपाल में वापस। तो चलिए भाई मज़े लेते हैं, फटाफट पहुँचते हैं BCM हाइट जो कि है हमारा मीटिंग पॉइंट, और वहाँ पर फिर मिलते हैं सबसे यार, है ना। सो कहानी अभी तक की ऐसी है ना कि 600-700 सालों के इंतज़ार के बाद हमारे जो भाई थे वो फाइनली आ गए। और मतलब भाई हम यहाँ 600-700 सालों में खड़े खड़े ना डायनासोर भी मर गए, नहीं अभी 1000 साल वाले भी आ रहे हैं। तो भाई सबका भरत मिला यहाँ पे, और एक एक बार सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दो प्लीज। आई एम चैतन्य सोनी। हेलो हाय, मैं करण इंगोरानी, आई एम फ्रॉम इंदौर। चलो सर, माय गॉड, कहाँ गए? हेलो, योर नेम? माय नेम अभिनीत, बॉर्न बाइकर से। हेलो अक्षय। अक्षय भाई हमको सी ऑफ करने आए सर। अरे राहिल, ये एकदम घूम घूम करते हुए आए थे फुल फोर्स में, डुकैती इन्हीं की है। और भाई हाय टू ऑल, आई एम समीर आर्द्वानी, इनके साथ जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम। मेरा मनी वर्मा। तो ये मिले थे, इनको फोटोज वगैरह क्लिक करवाने थे, तो इन्होंने वीडियो वगैरह बनाए हैं, और आपका इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह है तो बता दो, तो उस पर देख लेंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कौन सा चैनल है, सही चैनल का नाम बता दो प्लीज, मैं इतनी खुश हूं। इसका नाम है योर ड्रीम गर्ल मनी। क्या बात है, तो योर ड्रीम गर्ल मनी को जाके चेक कर लेना है प्लीज, जरूर जरूर जरूर। और इनका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट, बाकी इनका सपोर्ट तो है ही, इनका मुझे भी मिल रहा है। तो अब फाइनली निकल रहे हैं यहां से, एक BMW, एक ट्रायंफ, एक सुजुकी, अमित भाई की BMW इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया हमको, और बस अब 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे का था, निकलते निकलते 5-6 बज गए, तो बस अब ओपन करते हैं और फटाफट निकलते हैं भाई यहाँ से। निकल गए अब हम फाइनली, और राइड स्टार्ट हो गई है, काफ़ी एक्साइटमेंट भरा हुआ है सभी के अंदर, और भाई मज़ा आएगा राइड करने में, सब लोग एकदम रॉकिंग सुपर सॉलिड हैं। सो कहानी ऐसी है कि नॉर्मली बाहर से जाते हैं अगर भोपाल जाना होता है देवास बाईपास से, पर प्लानिंग ये हुई है कि देवास माता जी की टेकरी पे मत्था टेकते हुए जाएंगे, तो बस एक बार निकलते हैं बाहर और फिर बात करते हैं आपसे। वेदर ये अच्छा है कि थोड़ा ह्यूमिड है, हॉट है, पर बारिश नहीं हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अभी। तो मैं देवास पहुंच चुका हूं, और वो ऊपर है माता रानी का मंदिर, ऊपर सामने पहाड़ी पे आपको वाइट कलर का जो दिख रहा होगा, और वो लिखा है जय माता दी वहां पर। तो भाई अब दर्शन करते हैं नीचे से माता रानी के, और उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं कि हे माँ हमारी राइड को सक्सेसफुल बनाना।
trying to make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. लोग जो है वो अपने आगे अपने को एस्कॉर्ट करते हुए चल रहे हैं, बिकॉज क्या है कि उनके पास जो है क्लियर वाटर लाइट्स लगी हुई हैं, तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है उससे। ऑलराइट भाई लोग, सो पहुंच चुके हैं सोल रिट्रीट पे, और फिलहाल जो है ना हम केएफसी के अंदर वेज खा रहे हैं सब। देखो कितने अच्छे लोग हैं हम, ये देखो आप, बिल्कुल हरा बॉक्स दिख रहा होगा आपको, तो सब वेज बर्गर ही खा रहे हैं यहाँ पे। भैया टॉवल लगा, मैं नहाने जा रहा था। ये देखो भाई, नहाने ही घुस रहा है, गर्मी इतनी हो रही है कि भाई एकदम नहाने घुस रहा है। मिल लीजिए टॉवल भाई। सो बस एक छोटा सा ब्रेक लिया था यहाँ पे, अभी तक की राइड सॉर्टेड है, सब मज़ा आ रहा है। टिल येट ऑल सेट। भाई लोग ऑर्डर कर रहे हैं, दिक्कत ये है कि सोल रिट्रीट का केएफसी के अंदर ना नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, तो यूपीआई हो नहीं रहा है। मोदी जी करो कुछ, खाना मिल रहा है बस, पेमेंट नहीं ले रहे हैं। देख लो तो भाई, देखो ये भी पूरा वेज ही खिला रहे हैं सबको। देखो अंदर इन्होंने कुछ भी नॉन वेज नहीं रखा है। ऑलराइट, सो भोपाल से थोड़ा सा आगे खड़े हम लोग, और यहाँ से जो हमारा होटल है आज की रेट में सफल, वहाँ जाना है तो कट ले लिया था हमने भोपाल के पहले से ही। रास्ता जो है वो हमने इसलिए लिया है बिकॉज़ क्या है कि बाहर के बाहर से निकल जाएंगे हम लोग और भोपाल में जहाँ पर होटल है वहाँ पहुँच जाएंगे, अदरवाइज़ हमको पूरा भोपाल क्रॉस करके जाना पड़ता। तो ये है जुगाड़ ट्रैफिक से बचने का मेरे दोस्तों। जी हाँ, आय हाय हाय, देखो तो सही क्या काफिला जा रहा है, शानदार। ऑल राइट, सो पहुँच गए अपने रूम पे, और ये है अपना रूम पार्टनर बाबा। तो ऐसा है कि इससे पहले कि रूम मेस्ड अप हो जाए, मैंने सोचा क्यों ना आपको एक रूम टूर दे दिया जाए, है ना, क्योंकि उसके बाद तो पता चलना नहीं है क्या हालत होती है राइडर्स के रूम की, वो तो आपने देखा ही हमारे सारे व्लॉग्स में कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ा रहता है। तो देखो ये शानदार सा कांच, शानदार सी डेस्क, शानदार सा अपना भाई काउच के साथ में। और कुछ इस तरह का रूम है भाई लोग, ठीक है, मेरा है, और सबसे ज़रूरी है ना वॉशरूम, कांच वाला वॉशरूम है, पर्दे लगा के नहाना पड़ेगा। सो भाई नहा वहा के एकदम फ्रेश हो गए, और काफ़ी अच्छा लग रहा है बिकॉज आज दिन भर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ह्यूमिड बहुत ज़्यादा था। ऑल दो वेदर ने हमारा साथ ऐसे दिया कि बारिश नहीं हुई, पर गर्मी ने थोड़ी हालत ख़राब कर दी थी, बिकॉज़ क्या होता है आप राइडिंग गियर्स पहनो और उसके बाद जब गर्मी में निकलो ना, तो भैया आए 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 तन बदन से हर तरफ से पसीना निकलता है। तो भाई ऐसा था कि आज ही राइड थी वो हमारी शॉर्ट एंड सिंपल थी, इंदौर टू भोपाल थी। ऑल दो हम निकलने में थोड़े लेट हो गए थे, पर कोई बात नहीं, राइड बहुत शानदार रही, बहुत बढ़िया रही, काफ़ी इन्जॉय किया सबने, और भाई सब एक से बढ़कर एक हैं जितने भी ग्रुप में हैं, बहुत शानदार लोग हैं, काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है, ऐसा लग ही नहीं रहा किसी से पहली बार मिल रहे हैं। तो ऐसा है कि अब यार कल सुबह है हमारी फ्लैग ऑफ भोपाल से, जो हमारी राइड का फ्लैग ऑफ होगा एक्चुअल एम पी टूरिज्म का, वो होगा कल सुबह। तो कहानी ऐसी है, थक गए हैं, खाना वाना खाते हैं और सो जाते हैं बिकॉज कल सुबह जल्दी उठना है और फिर से राइड पे जाना है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ऑल दो इतना कुछ एडवेंचरस नहीं था इसके अंदर, पर ये छोटी सी हमारी राइड थी जो कि इंदौर से लेकर भोपाल तक की थी। अब कल से चालू होने वाली है भाई मेन राइड, कल आएंगे आपको बहुत सारे मज़े। तो एक काम करते हैं, आपसे अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए हमेशा की तरह याद रखिएगा, ऑलवेज एक्सेल योर वरीज, एक्सेल योर सैडनेस एंड इनहेल द हैप्पीनेस। जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है ना, मैंडेटरी है, करते नहीं हो तुम लोग।